सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात सावन के छठे सोमवार की। सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान है। इस बार अधिक मास होने के चलते 59 दिनों का सावन का महीना है। आपको ये भी बताएं कि सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ से सावन के महीने में जो कुछ भी आप मांगे वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई, अलग अलग शिव मंदिरों में इसी तरह की स्थिति। शाम को इंतजार सावन की सवारी का भी, जब बाबा महाकाल सवारी के रूप में प्रजा के हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, वो तस्वीरें भी बेहद खास होती हैं। हालांकि सुबह की स्थिति हम आपको बताएं, अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन का दौर लगातार जारी। और सावन महीने के छठवें सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल के 2:30 बजे पट खोले गए। बाबा महाकाल का दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार कर महानिर्वाणी अखाड़े के महाराज द्वारा बाबा को भस्म रमाए गए। भस्म आरती के बाद बाबा के विशेष श्रृंगार के साथ पूजन अर्चन और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन आज किए। उज्जैन से खास तस्वीरें आज निकल कर सामने आई हैं। रात 2:30 बजे पट खुलते हैं, उसके बाद जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, विशेष श्रृंगार आज बाबा महाकाल का, और श्रद्धालुओं का तांता रात 2:30 बजे से ही लगा हुआ है, क्योंकि भस्म आरती में शामिल होने की कोशिश हर एक व्यक्ति करता ही है। हालांकि गर्भगृह में इस बार प्रवेश नहीं है, लेकिन नंदी हॉल से भी लोगों ने कितनी बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन किए ये तस्वीरें भी प्रत्यक्ष करती हैं। ये तस्वीरें आप देखें, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, क्योंकि छठा सावन का सोमवार और अपनी मनोकामना लिए बाबा महाकाल की आराधना करते हुए देश प्रदेश से आए अलग अलग भक्त। बाबा महाकाल की भस्म आरती भी, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जब श्रृंगार किया जा रहा था उस समय का भी आप दृश्य देखिए। हर हर महादेव की गूंज, और बीते दिनों बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। नया रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के इस धाम ने काबिज किया है। करोड़ों की संख्या में लोगों का पहुंचना ये बताता है कि दिनों दिन श्रद्धा बाबा महाकाल पर बढ़ती है। और अब चर्चा करेंगे मंदसौर की। यहां भी सावन का छठे सोमवार पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा के मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के मन में कहीं ना कहीं मनोकामनाएं भी, और ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि बाबा उनसे प्रसन्न हो सके। बाबा पशुपतिनाथ दरबार में किस तरह का दृश्य है, किस तरह की साजो सज्जा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अभिषेक सुबह सुबह हुआ और उसके बाद श्रद्धालुओं की कतारें बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ती हुई, हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं एक साथ। मंदिर में विशेष प्रार्थना भी हो रही है, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक का भी आयोजन अलग अलग संस्थाओं की तरफ से भी। लेकिन ये खास तस्वीरें मंदसौर से बाबा पशुपतिनाथ के धाम में भी पहुंचने वालों की संख्या कम नहीं होती है। हर साल ही इसी तरह का नज़ारा सामने आता है, और ये आस्था का विहंगम दृश्य जिसमें खूबसूरती से बाबा का श्रृंगार, मंदिर को पुष्पों से सजाया गया है। सावन के छठे सोमवार पर आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अधिक मास होने के चलते छठा सोमवार आज सावन का, और बाबा महाकाल और बाबा पशुपतिनाथ पर किस तरह के नजारे थे
ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंदसौर में भी पशुपतिनाथ धाम पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा, अधिक मास होने के चलते भी आंकड़े सामने आते हैं और विशेष पूजन का आयोजन, रुद्राभिषेक भी कई लोग करवाते हैं और उसी तरह के दृश्य हर एक मठ मंदिर से, हर ऐसे धाम से जहां पर बाबा विराजमान है लगातार निकलकर सामने आते हुए। फिलहाल मंदसौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सावन का छठा सोमवार, पशुपतिनाथ मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला, सुबह 4 बजे से ही भक्त कतारों में लगे हुए बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में वर्षा के लिए भी विशेष प्रार्थना की जा रही है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की मॉनसून की स्थिति भी हम आपको बताएं। मॉनसून रूठा हुआ नजर आता है मध्य प्रदेश से, क्योंकि पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है। अगस्त में बीते 10 सालों में तीसरी बार इस तरह से स्थिति बनी है कि अगस्त में बारिश ना होना ऐसा पहले नहीं देखा जाता है। 2017 और 2018 में हालांकि ऐसा हुआ है। शहर में अब तक 520.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य बारिश से 145.9 मिलीमीटर कम बारिश है। पिछले साल अब तक हुई बारिश के मुकाबले आधी बारिश ही हो पाई। तेज बारिश का दौर चल पड़ा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होती हुई जो कि पिछले 10 सालों में नहीं हुई। 2017-2018 की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त में कम बारिश दर्ज की गई थी और उसी तरह के हालात 2023 यानी कि इस साल देखने को मिल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से मानसून रूठ गया है। हालांकि आगामी समय में कब तक अब बारिश होती है इस बारे में भी अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन बीते 10 सालों में पहली बार ऐसी स्थिति हुई है। अगस्त में अभी तक तेज बारिश मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में देखने को नहीं मिली। तो शुरुआत में जून में जुलाई में हमने देखा काफी तेज बारिश और जल प्रहार की तस्वीरें भी सामने आने लगी थी। माना जा रहा था कि सफिशियंट बारिश इस बार हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भोपाल शहर की अगर हम बात करें तो 520 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड हो पाई है और सामान्य बारिश जिसे माना जाता है उससे 145 मिलीमीटर कम है। सहयोगी रंजना में ज्यादा जानकारी इस पर देंगी। रंजना, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है मॉनसून को लेकर और क्या आने वाले समय के लिए बारिश की कोई संभावना? जी अवंतिका, मौसम विभाग ने फिलहाल कहा है कि अगस्त का जो महीना होता है, शुरुआती जो हफ्ता होता है, उसमें कुछ इसी तरह की जो स्थितियां हैं वो बनी होती हैं और इसी के चलते अभी फिलहाल नमी पर्याप्त मात्रा में यहां पर नहीं आ रही है, जिसी के चलते इस तरह से जो सिस्टम है वो बना हुआ है और बहुत ही कम जो बारिश अगस्त के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन आने वाले हफ्तों में जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं अगर कोई सिस्टम सक्रिय होता है तो। लेकिन फिलहाल अगर साल 2017 और 2018 के अगस्त के महीने की बात कर ली जाए तो शुरुआती जो हफ्ते थे उसमें भी मॉनसून की स्थितियां कुछ इसी तरह से बनी हुई थी जैसे अभी फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार की अगर बात कर ली जाए तो बीते साल के मुकाबले जो बारिश का कोटा है वो आधा ही हुआ है और अभी फिलहाल जैसी बारिश की उम्मीद की जा रही थी वैसी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई सिस्टम सक्रिय होता है तो 15 अगस्त के बाद जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदलेंगी और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो ज्यादातर जिले हैं वहां पर बारिश हो सकती है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो प्रदेश भर में जो मॉनसून है वो रूठा हुआ नजर आ रहा है अवंतिका, और जिस तरह से बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद नजर आ रही थी वैसा कोटा पूरा होते हुए अभी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कोई सिस्टम शायद सक्रिय हो और एक बार फिर से झमाझम बारिश की झड़ी मध्य प्रदेश में लगी। चलिए देखना होगा कितना बदलाव आता है स्थिति में। बहुत शुक्रिया आपका रंजना। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां मोबाइल लूटने वाले को बुरी तरह से पीटा गया है। युवक का मोबाइल छीनकर दो युवक भाग रहे थे, राहगीरों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पिटाई। तलाशी में लूट का मोबाइल भी मिल गया। लोगों ने चोरी के आरोपी को बंधक बनाकर रखा और पीटने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पड़ाव थाने के फुलबाग मैदान के पास की पूरी घटना है। तस्वीरें आप देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं क्योंकि अब निकलकर सामने आई हैं। राहगीरों की तरफ से आरोपियों की जमकर पिटाई की गई। आरोप लूटपाट का था। दो आरोपियों को पकड़ा भीड़ ने और उसके बाद मारपीट इनके साथ की गई और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। सहयोगी सुशील ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस मामले को लेकर?
कल रात का पूरा वाकया है। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में एक युवक से मोबाइल लूटकर ये दो बदमाश भागे थे और जब उसने शोर शराबा किया तो लोगों ने पीछा करके एक बदमाश को पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद लोगों ने इसको जमकर पीटा। पीटने के बाद जब इससे पूछताछ की तो इससे के पास से जो लूट का मोबाइल है वो बरामद हो गया। पूछताछ में इसने बताया कि शिंदे की छावनी इलाके का रहने वाला है। उसके बाद लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दूसरे साथी की भी इसमें तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा और इनका क्या रिकॉर्ड रहा है पुराना उसके बारे में भी पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ ने भी इनको जमकर पीटा है। ठीक है सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है जहां ट्रैक पर पत्थर जमाने वाले 7 नाबालिग आरपीएफ की गिरफ्त में आ चुके हैं। 9 से 11 साल उम्र के नाबालिगों को संदेश देकर छोड़ा जा चुका है। पत्थर जमाने का वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद बड़ा हादसा भी हो सकता था इस ट्रैक पर, इस तरह की भी आशंका थी। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही आरपीएफ की तरफ से संज्ञान लिया गया था। चलिए सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, नाबालिगों को पकड़ा गया, समझाइश देकर छोड़ दिया गया, क्या कुछ पुलिस की तरफ से और इस मामले को लेकर? देखिए ग्वालियर के मुख्य ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लेकर बिरला नगर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर पत्थर जमाने की घटनाएं सामने आती रही है और इससे कई बार जो ट्रेन है उनसे पत्थर भी टकराते थे। शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ ने यहाँ सर्चिंग की और सर्चिंग के दौरान कल करीब 7 जो नाबालिग लड़के हैं वो यहाँ पत्थर जमाते हुए आरपीएफ ने इनको पकड़ा है और ये छोटे बच्चे हैं। 9 से लेकर 11 12 13 साल तक की उम्र के ये बच्चे हैं जो ट्रैक पर जो है पत्थर जमा देते थे। हालांकि इनका कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं था, लेकिन आरपीएफ ने बढ़ती घटनाओं के चलते इनको पकड़ा और उसके बाद इनके परिवार वालों को बुलाकर समझाइश देकर इन्हें छोड़ दिया है और किसी तरह की घटना ना हो इसके लिए इन लोगों को नसीहत भी दी है कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना करें और ट्रैक पर ना आए इन बच्चों को, और परिवार वालों को भी हिदायत दी है पुलिस ने कि अगली बार इस तरह से घटना सामने आती है तो इनके खिलाफ परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सुशील, बने रहेगा हमारे साथ लगातार। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर जहां वंदे भारत पर पथराव करने वाला पकड़ा जा चुका है। आरपीएफ ने बानमौर से पत्थरबाज को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर माजिद खान नाम का व्यक्ति पथराव करने की कोशिश कर रहा था। बानमौर का रहने वाला माजिद खान बताया जाता है, आरपीएफ ने रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। माजिद की पत्थरबाजी से वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे पहले भी टूट चुके हैं। अप्रैल महीने से वंदे भारत पर पथराव की घटनाएं हो रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस की 35 विंडो अभी तक टूट चुकी हैं। सही है सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या अतिरिक्त जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जब से शुरू हुई थी उसके बाद से इस पर पथराव की घटनाएं अप्रैल महीने से ही हो रही थी और यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लगातार इसको लेकर परेशान भी थी और गश्त भी लगातार की जा रही थी, लेकिन पत्थरबाज हाथ नहीं आ रहा था। कल जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस मुरैना से ग्वालियर के बीच गुजर रही थी उसी दौरान बामोर स्टेशन के आसपास वंदे भारत पर पथराव हुआ और पथराव की घटना के बाद आरपीएफ ने तुरंत जो है मौके पर पहुंचकर पीछा किया तो वहां एक पत्थरबाज को पकड़ा है जिसका नाम माजिद खान है। ये बामोर का ही रहने वाला है और इसके खिलाफ आरपीएफ ने रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की है और इससे गिरफ्तार कर आज रेलवे कोर्ट में पेश कर इसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी और इससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिरकार कितनी पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल रहा और इसके पीछे इसका मकसद क्या था। आपको बता दें कि अब तक वंदे भारत के करीब 35 से ज्यादा शीशे टूट चुके हैं दिल्ली भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के। इतनी पथराव की घटनाएं हुई तो निश्चित तौर पर संगीन घटना थी। आरपीएफ ने इसमें इस युवक को पकड़ा भी, इससे पूछताछ की जाएगी मकसद क्या है और कौन लोग हैं। चलिए कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। आगे बढ़ते हैं, सावन महीने की बात करेंगे। 6वें सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल के 2:30 बजे पट खोले गए। बाबा महाकाल का दूध घी शहद शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया। महाराज द्वारा बाबा को भस्म भी लगाई गई और भस्म आरती के बाद बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सही कि पवन हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। पवन, शिव मंदिरों में किस तरह का नजारा फिलहाल नजर आता है आपको?
जी बिल्कुल, जबलपुर में जो है शिव मंदिरों में आज भी जो है सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूर्योदय के पहले से ही लोग शिव मंदिरों में पहुंचते हैं, जहां भगवान का अभिषेक करके पूजन अर्चन करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस वक्त हम कचनार सिटी में मौजूद हैं, जहां महाकाल का यह महाविग्रह आप सामने देख सकते हैं कि लगभग 76 फीट ऊँची ये प्रतिमा है, जिसे कचनार सिटी में बनाया गया है। और यहाँ पर हर साल जो है भक्तों का आना होता है, और साल भर यहाँ भक्त आते हैं, शहर के अलावा दूसरे शहरों से भी आते हैं, लेकिन सावन महीने में विशेष तौर पर सुबह से देर रात तक यहाँ पूजन पाठ का सिलसिला जारी रहता है। और सुबह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो पूजन भी कर रहे हैं, महाकाल के इस महाविग्रह का दर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही यहाँ जो चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, हरियाली है, यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान भी लगाते हैं, पूजन करते हैं। तो ये एक भक्ति का एक माहौल यहाँ बनाने की प्रयास किया जाता है। यहाँ के अलावा जबलपुर में और भी कई सारे मंदिर हैं, जहाँ पर सुबह से लेकर रात तक सावन महीने में बिल्कुल यानी कि पवन बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खंडवा की आगे बात करेंगे, जहाँ तिरंगे के रंग में रंगा हुआ पूरा शहर नजर आया। इंदिरा सागर बांध देशभक्ति का अलग ही जज्बा जगाता हुआ तिरंगा अभियान के तहत बांध पर तिरंगा नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही आकर्षक रूप से यहाँ पर श्रृंगार, 3 रंग की LED लाइट्स यहाँ पर लगाई गई। आजादी का पर्व है कल, और उससे पहले खंडवा का यह खूबसूरत नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब 25 सेकंड में खबर। बुधनी को सीएम शिवराज की